नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया एक नए शख्सियत को लेकर। आज मीट सीरीज में हम लोग ऐसे शख्सियत को मिलने जा रहे हैं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं मित्रों 150 आवाजें निकाल सकता है। भारत देखिए ये टैलेंटेड लोगों की राजधानी मानी जाती है, और ऐसे ही एक टैलेंटेड पर्सन को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, मोहम्मद आसिम जी हैं, जो रामपुर में मेरी इनसे मुलाकात हुई है, जो मैजिशियन भी है और जो मिमिक्री आर्टिस्ट भी है और पढ़ाते भी हैं शायद। जी जी। तो सर बताइए अपने बारे में, कितनी आवाजें आप निकालते हैं? सर मैं 150 आवाजें निकाल लेता हूँ। जैसे कुछ सैंपल बताइए कुछ। जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर, और जंगल में मोर बोलता है ऐसे। और ऐसे बोलता है डीजे में मुर्गा। सर ये आपको कैसे पता चला आपके अंदर इतने सारे आवाजें आप निकाल सकते हैं, कैसे पता चला मोहम्मद सर? जी सर मैंने बहुत छोटे से प्रैक्टिस की है सर, और प्रयास ही कला है, कला ही जीवन है, और कला हम कलाकारों की जिंदगी है सर। अच्छा, कहते हैं कलाकार कभी मरता नहीं उसे जिंदा दफनाया जाता है, कलाकार कभी मरता नहीं उसे जिंदा दफनाया जाता है, और कब्र खोल के देखो तो तालियों के इंतजार में पाया जाता है। मित्रों अगर ये मुलाकात सही में अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। सर और कुछ बताइएगा कि कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं अभी तक, आपकी ये जो टैलेंट है आपने अभी इसका प्रचार प्रसार या कहाँ तक ये प्रदर्शनी आपने किया है मोहम्मद साहब? दिल्ली में और सावास इंडिया में और भी। अच्छा, सावास इंडिया में जाकर आए? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मित्रों ये थे हमारे हासिम साहब, थे इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश से थे, और जिन्होंने जिनके अंदर इतनी टैलेंटेड है, मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा कि ये बहुत आगे बढ़े, गिनीज बुक, लिम्का बुक और जितने बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है सब में इनका नाम जाए। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।